हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस प्लीज एटलीस्ट कितने दिन है ये, सिर्फ ये हफ्ता बहुत ऐसी क्लियरिटी आएगी, अदरवाइज विल बी वेरी गुड। अगले हफ्ते से नॉर्मल जैसे पहली वीडियो दिन में दो दो तीन तीन वीडियोज आएंगी, वैसे ही सब कुछ क्लियरिटी होगी। बस थोड़ा एडजस्ट कर लें, बिकॉज यार होटल में ना अरेंजमेंट करनी चाहिए बहुत मुश्किल है। अब देखो उठी थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गई। तो लेट्स स्टार्ट करेंगे तबलीगी जमात की वीडियो थी उनकी, थर्ड पार्टी। आई थिंक पूरे पाकिस्तान को ये राह पिला के छोड़ेंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हाँ okay. वैसे आज जाने वाली है मेरी वाइफ, ये मेरी छोड़ के तबलीगी है, तबलीगी वही है, तबलीगी जमात पहले वो जिदे जो सबको ठीक है। अच्छा तबलीगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अब्बू कहाँ है? वो सो रहा है। सो रहे अब्बू को बोलो तबलीगी जमात आई है। सुभान अल्लाह। अब्बू कह रहा है मैं घर पर नहीं हूँ। अब्बू कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। बेटा अब्बू को जाके बोल दो मगरिब की नमाज के बाद दीन और यकीन की बात होगी मस्जिद में, मस्जिद तशरीफ ले आए। क्या समझ लिया? मस्जिद की तरफ चले। सुभान अल्लाह। अमीर साहब जी। इलियास भाई बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? जरूर पूछ सकते हैं। ये हमारे साथ जो नकाश भाई है, इनको आपने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए कहां से और कैसे कबूल किया था? इलियास भाई ओह ये स्टोरी 16 की बात है कि हम लाहौर रायमंड इज्तिमा के लिए जा रहे थे। किसका बोला है? खिदमत वाले इनमें ना चाय का बंदोबस्त साथ ही लेकर अभी जो आई थिंक मे बी यही है शादी वाला मेंबर, मैं इनको अपनी टीम में कैसे लेकर आए। अच्छा तो उसकी स्टोरी बता रहा, आज न्यू कोई अंदर नहीं खड़ा है, एग्जिस्टिंग कैसे की वो बताएंगे। लेट्स गो। मुझे तो अच्छा लगा, अब अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। अम्मी साहब चाय आ गए। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह सुभान अल्लाह। अमीर साहब वो सामान में खजूर भी खत्म हो रहे हैं। नासिर साहब रास्ते में ले लेना। सही है अमीर साहब, सही है सही है। चाय इसको कैसे ऐड किया? इसका भाई है पता है? आई थिंक मुझे कमेंट्स में लोगों ने बताया पहले। लग रहा है ना? यार कोई और सीट खाली है? जी ये सीट खाली है। ये वो याद है शहरी लौंडे से टाइप के। ये ट्रेन में शूटिंग हुई है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये फिर मुझे लग रहा है हैं ट्रेन में शूटिंग हुई है ना? वाले ऑब्वियसली बात है बाबू भाई। मुझे लग रहा है क्या है नकाश? नकाश माशाल्लाह। नकाश भाई कहाँ की रवानगी है? जी लाहौर जा रहा हूँ, एक म्यूजिक वीडियो की शूट है। नकाश भाई हम सब भी लाहौर रायवंड जा रहे हैं, तो सफ़र काफ़ी लंबा है, क्यों ना अपना तारुफ कराएं, एक दूसरे को जान भी जाएंगे, तारुफ सफ़र भी खुशगवार गुजरेगा। जी हम अख्तर साहब। इसको कैसे लेके आए हम बताएं। अब्दुल हादी। और कमेंट लोगों ने कमेंट में बताया नहीं लकड़ी डाल लिया है वो धातु ने है धातु के अंदर भी चाहिए नहीं दान साहब भाई। फैजान कारी नासिर साहब और ये हमारे अमीर साहब रिच। लगता है रेल चलने लगी, रेल खड़ी हुई है, सही है। सफर की दुआ पढ़ ले। सुभान अल्लज़ी सख़रना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ। हमारे पढ़ते हैं ना। आप म्यूजिक वीडियोस ही बनाते हो या कुछ और भी करते हैं? जी म्यूजिक वीडियोस भी बनाता हूँ और इरादा है एक्टिंग की तरफ भी चला जाऊँ। आपकी मुस्कुराहट की वजह जान सकता हूँ? जी बेशक, किसी ज़माने में मैं भी एक्टर हुआ करता था, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन। लेकिन वो बेदीन रह गए और अल्लाह ने मुझ पर फजल कर दिया। हम सब यही दुआ करेंगे कि अल्लाह शाहरुख खान को भी दीन इस्लाम की तरफ चलने और राग़िब हो गए तो नौजवानों का एक बड़ा तबका तबलीग की तरफ राग़िब हो जाएगा। बहुत पैसा है शाहरुख़ खान के पास। नकाश भाई क्या हुआ,
अमीर साहब कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। नासिर भाई नकाश भाई के सर को दबाओ, साथ में ये भाई। माय गॉड, हम खरड़ से दिल्ली आवे, अरे कुत्ते साले हर जगह पीछे पीछे आ रहे हैं, पीछा नहीं छोड़ा, कहाँ कहाँ जाए, कहाँ कहाँ तो गए। बनाने बैठते ना वीडियो, या तो बाबा जी बोलने लग जाएंगे, पाठ करने लग जाएंगे, या फिर कुत्ते भौंकने लग जाएंगे, बस यही चलता रहता है, या फिर वो कबाड़ी वाले। मतलब इनका मेन मकसद ये था सेवा करना ना, सेवा करना, सेवा चलाना सबको। मुझे अच्छा लगा वैसे, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता। अरे यार ये मुझे ना बिल्कुल भी 1% भी गुस्सा नहीं, सोचो रियल लाइफ में कितना गुस्सा कर लेते होंगे शूटिंग के दौरान ही। अबे तू कर क्या रहा है, बेंचुत क्या कर रहा है। नहीं ये मुझे लगता नहीं। हाँ मतलब ऐसी इस्लामिक जो वीड टाइप की, हाँ। मुझे लगता नहीं कटोगे वैसे, ऑब्वियस है मर्द लोग तो मतलब नहीं, फिर नहीं। मुझे मतलब मैं पंजाबी के बारे में बोल सकता हूँ, जो कट्टर मुस्लिम है वो नहीं बोलते होंगे आई थिंक। अमीर साहब गालियां नहीं देते, एक दो खजूर करके मैं सोता हूँ, तहज्जुद के लिए भी उठना पड़ेगा और आप लोगों की खिदमत भी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आप सो जाओ, सोने की दुआ पढ़ के सोना। ठीक है अमीर साहब। अमीर साहब मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे भी सोना चाहिए। बिल्कुल आप भी सो जाएं, अगर आप साथी में से किसी ने सोना है तो आप लोग भी सो सकते हैं। नहीं अमीर साहब, हम अपने जिक्र अस्कार मुकम्मल कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। अब इस टाइम तो वो इरिटेट हो गया, जल्दी से निकालो, निकालो सब दे रहे तसल्ली से, हम आपको सब देंगे लेकिन आपने हमारी बात भी सुननी होगी। सही है, हम आपकी बात सुनेंगे, जल्दी से निकालो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये फजाइल अमाल है, कोशिश करो इसको घर में पढ़ो। ये तस्वीर, ये मसवाक, ये घड़ी, मोबाइल। अख्तर साहब मोबाइल भी मांग रहे हैं। दे दे जी। ये मोबाइल है, अगर आपने इसमें से सिम दे दी तो साथियों के साथ हम रास्ते में रहेंगे। पैसे, खिदमत वाले पैसे भी दे दो। अमीर साहब मेरे साथ टोटल 3500 रुपये है, सब के सब आपको दे दिए। ये 3500 रुपये भी आप रख लें। वो भाईजान, आप भाईजान वो मेहमान है, उसके सर में दर्द है, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो बहुत अच्छा होगा। हमने आपको सब चीज़ें दे दी है और हमने आपसे कहा था कि आप हमारी बात सुनेंगे, तो 2 मिनट हमारी बात सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी आपकी और तमाम उम्मत इस्लामी की कामयाबी पूरी की। ये दिन मुझ में आप में तमाम अहले मुस्लिमों में कैसे आई, इसके लिए ज़बरदस्त मेहनत गुजरी। इसी मेहनत के सिलसिले में हम रायवंड जा रहे हैं, आप अगर हमारे साथ चले तो आपका वक्त कीमती हो जाए। यार आप लोग किस किस्म के इंसान हैं, अपने मेहमान का भी ख्याल रख रहे हैं, हमें सब कुछ सामान भी दे दिया है और हमें दीन की तबलीग भी दे रहे हैं, आप झूठ भी बोल सकते थे। भाई अगर हम झूठ बोलते तो हमारी इस तबलीग का क्या फायदा। अमीर साहब आपकी मोहब्बत और खलूस देखकर मैं आप लोगों से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मुझे भी इस राह पे चलना है। अमीर साहब मुझे भी इस राह पे चलना है। माशाल्लाह से अमीर साहब 5 बंदे जा रहे थे और अभी 8 बंदे जा रहे हैं इज्तिमा में। अल्लाह जाने इज्तिमा तक पहुंचते पहुंचते हम कितनी बड़ी जमात बन गए होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब फिक्रमंद हो जाओ ना तो अल्लाह फजल व करम करता है। मुझे लगता है अल्लाह ये पार्ट 3 है, मुझे लग रहा है पार्ट 10 तक तो जाएंगे एट लीस्ट। और सुपर वीडियो, आई लाइक दिस मैन, मैन मुझे मजा आ रहा है वीडियो में। और पार्ट्स होंगे हर जगह जगह पे, मजा आ गया।
कंटेनर अच्छा है इनका ये वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह इयास भाई और अल्लाह के फजल व करम से उस दिन के बाद नकाश कबूल हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे अमीर साहब, अख्तर साहब को आपने कहाँ से कबूल किया था? नेक्स्ट अख्तर साहब, अख्तर वही ना जो नेक्स्ट पार्ट में छोड़ेंगे। इसकी वीडियो आ गई है। फरमाने की बहुत ज्यादा जरूरत है पूरी दुनिया की यूथ, नॉट ओनली ओ काला रिएक्टर, इसको जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आई इसको मिला भी हूं मैं। कौन है? When I was in Kolkata. So, ये यूट्यूबर है। इंडियन है? हाँ इंडियन है, कोलकाता। सो नाइस, मजा आया देख के वीडियो। लिटरली देखो मैं आरविंद को कितने सालों से देखता आ रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक उनमें से वन ऑफ द बेस्ट जो उन्होंने टॉपिक चुना है ये हो सकता है वो तबलीगी। जो देखो हमारी जो एक पहले एक पेंटेलिटी ना, मतलब एक तो ऐसे बोलते हैं ना मुस्लिम में, देखो मैं सच बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इंडिया न्यूज़ में आते हैं ना तबलीगी, ये तबलीगी जमात है बोलते थे कि ये थोड़े गलत टाइप के लोग होते हैं, ऐसा हमें सुनने को मिलता रहा। बट मैंने जब इनकी पहली बार टाइप की वीडियो देखी सो मुझे लगा थोड़ी कॉमेडी टाइप के लोग, आपने बोला भी था मेरे कमेंट्स में भी आप रिलेट नहीं कर पा रहे। बट सेकंड पार्ट देखा, थर्ड पार्ट देखा भी, सो आई गेट टू नो लाइक ये बहुत ही स्वीट लोग होते हैं जो इस जमात में आते हैं, राइट। एंड दे जस्ट गैदर पीपल एंड मोर 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 एंड मजा आता है। और गाइस अभी जो नेक्स्ट पार्ट, अभी मतलब हर वीडियो में एक मैसेज छोड़ के जाते हैं ना बस। यस, एंड सबसे बढ़िया होने वाला नेक्स्ट पार्ट जिसमें कि ये बताएंगे अख्तर कैसे आया, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ आवर वाइन। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।